गाइस कॉन्डम, ये नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा और आप में से बहुत लोगों ने इसे यूज भी किया होगा। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि कॉन्डम्स फैक्ट्री में बनते कैसे हैं? तो ये बताने से पहले ये जान लेते हैं कि दुनिया की बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए एक महान व्यक्ति जिनका नाम चार्ल्स गुडियर था, उन्होंने इस ब्रह्मास्त्र को 1855 में इन्वेंट किया था ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा जा सके। और अब तो इन सबकी बहुत सारी वैरायटी और फ्लेवर्स भी आ गए हैं। और ये जो कॉन्डम है, ये हम सब लोगों के बीच में बहुत सारे नामों से फेमस है, जैसे कि प्रोटेक्शन, हेलमेट, गुब्बारा, रबड़ और भी कई नाम। तो चलिए अब जानते हैं कि फैक्ट्री में कॉन्डम कैसे बनते हैं। तो गाइस, कॉन्डम बनाने के लिए सबसे पहले ग्लास के बड़ी ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कॉन्डम्स में शेप आ सके। और फिर उसके बाद कॉन्डम्स को अच्छे तरीके से डिसइंफेक्ट किया जाता है। उसके बाद इन्हें लिक्विड लेटेक्स के अंदर डुबा दिया जाता है। डुबाने के बाद इन ट्यूब्स पर लेटेक्स की पतली सी लेयर चढ़ जाती है और फिर इन्हें हल्के ड्रायर से गुजारा जाता है ताकि ठंडे हो सके। इन्हें सूखने के बाद फिर से लेटेक्स में डुबा दिया जाता है। उसके बाद एक रोलिंग मशीन इनके एंड्स को थोड़ा सा फोल्ड कर देती है। उसके बाद पानी का जेट इन कॉन्डम्स को ट्यूब से निकाल देता है और फिर वॉशिंग मशीन के अंदर एक घंटे तक इनकी अच्छे से धुलाई होती है और फिर इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद फोल्ड करके इनके ऊपर सिलिकॉन ऑयल और फ्लेवर्स डाल दिए जाते हैं। अब इन कॉन्डम्स में से किसी एक रैंडम पैकेट को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद इन्हें बहुत सारे टेस्ट से गुजरना होगा। जैसे अब इन कॉन्डम्स को टेस्ट ट्यूब में डालकर इनके अंदर से वोल्टेज पास की जाएगी और अगर इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इसका मतलब इस कॉन्डम में होल है, क्योंकि जो लेटेक्स होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता और ये पूरा बैच सस्पेंड कर दिया जाएगा। और अगर ये टेस्ट पास कर जाती हैं तो नेक्स्ट टेस्ट में इन्हें लैब में फुला के देखा जाएगा। और अगर कोई भी कॉन्डम 18 लीटर की कैपेसिटी से कम निकलता है तब भी पूरे बैच को सस्पेंड कर दिया जाएगा। और फिर इसके बाद आता है तीसरा टेस्ट, जिसमें इन कॉन्डम्स को पानी से भरकर लीकेज के लिए चेक करा जाता है। पानी भरने के बाद इन्हें एक मिनट के लिए रख दिया जाता है ताकि कोई भी छोटा होल हो तो वो दिख जाए। इन टेस्ट को पार करने के बाद एक फाइनल टेस्ट होता है, जिसमें इन कॉन्डम्स को टुकड़े करके उन्हें वैक्यूम सील्ड कंटेनर में रख दिया जाता है और फिर इन्हें माइक्रोस्कोप से चेक किया जाता है ताकि चेक कर सकें कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद इनमें कोई जम्स तो नहीं आ गए। और गाइस, इन सभी टेस्ट को पार करने के बाद अब ये कॉन्डम्स तैयार है मार्केट में जाने के लिए और आपके यूज के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।